गया जी। ये देखे, ये देखे ऊपर जा रहा है, नजर आ रहा होगा आपको। वो देखे ऊपर जा रहा है, हाजिर हूँ किसी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग करते हैं शुरू। आज फिर मौसम कुछ ऐसा ही है, बारिश जी बहुत तेज आ रही है जी, ये देखें। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो बारिश है जो आ रही थी, बारिश का मौसम है जो हो चुका है जी, ये देखें। बहुत तेज बिजली है जो बरस रही है, बरस रही है, और बारिश भी ऐसे ही तेज़ है जो आ रही है जी। और ये सारे जानवर हैं जो घर को जाने जा रहे हैं जी। बारिश आ रही है और जानवर लोग अपने घर को लेके जा रहे हैं जी। बारिश बिजली है जो बहुत ही गरज रही है, तो बहुत ही हसीन मौसम है जो बन चुका है जी, ये देखें जी। फिर मौसम कुछ ऐसा ही है कि हसीन मौसम हो चुका है जी। बारिश है जो आ रही है जी। वही है जी, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं जी बारिश को। और ये सरार भाई हैं, ये भी जी बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चे हैं जी। फिर मौसम है जो बहुत ही प्यारा वेदर है जो बन चुका है जी। ये देखें जी, जी टाली के ऊपर सांप है जो वो बोल रहे हैं जी। इधर बहुत बड़ा सांप है वो उसके ऊपर है, ये देखें कितनी वाम है जो सांप मारने के लिए आई हुई है जी। ये देखें, ये देखें जी, अभी देखते हैं जी सांप ऊपर है या नहीं। सांप जो मिल चुका है जी, देखे सारे के सारे सांप दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये सारी गांव सांप को मारने वाली है। ये देखे जी सारे के सारे सांप को मारने के लिए आए हुए हैं जी, ये देखे। छोटा जो नहीं जा रहा था तो अभी जी इसके लिए रक्षा लेके आए हैं, रक्षे के ऊपर होके, तो इसके ऊपर बाद में होके तो ऊपर है जो, तो काफ़ी बड़ा सांप बोल रहे हैं जी। अभी देखा नहीं है किसी ने, ऊपर छोटा सा देखा है, उसकी पूंछ देखी है, तो अभी देखते हैं जी कितना बड़ा सांप होगा जी। ये देखें, ये देखे ऊपर जा रहा है, नज़र आ रहा होगा, वो देखे ऊपर जा रहा है, ये देखे जी सांप को मारने के लिए सारे के सारे बेताब है, और वो देखे सांप है जो वो देखे ऊपर पल्ली शहर दे, देखे पल्ली शहर दे। और ये देखे जी ये सांप, ये देखे, और ये देखे जी मार दिया सांप को जी। ये देखे जी काफी बड़ा सांप था जी, ये देखे काफी बड़ा सांप था जी। देखें जी कैसे गर्मी है जो पसीने जो आ रहा है, पैदल है जो गाँव से मैं मोटर बाइक पर कम करवाने आया हूँ जी। ये देखें पीछे पंचर है जो मोबाइल लगा रहे हैं, तो पैदल आया हूँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी जी, तो उधर तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं तीन से चार पंचर निकले हैं, तो भाई बोल रहे थे जी नई ट्यूब भी डलवा लो, तो तीन पंचर हैं वो भी 150 के होंगे, तो नई ट्यूब है जो ये 350 की होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना
नई ट्यूब भी डलवाई है, तो आइए नई ट्यूब का जो वो डलवाते हैं जी। मोटर बाइक हमारी है जो पंचर हो गई थी, उसे अब पंचर लगवाने आए हैं। और जी पैदल आए हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ये जी नई ट्यूब जो वो डलवाएंगे, तो इसके बाद जी कोई और काम है वो करेंगे। पहले ट्यूब में 3 पंचर थे, वो भी हमने ट्यूब यूज़ नहीं करनी, अभी जी नई ट्यूब का जो वो डलवाएंगे। और आइए पुरानी ट्यूब है ये टायर के नीचे रखी जाएगी, के बाद में फिर ना कीलर जो वो टायर के अंदर घुस जाए, तो इसलिए ये ट्यूब है जो वो जी टायर के अंदर रखी जाएगी। ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।